हम शपथ लेते हैं कि कल 22 मार्च को सुबह 7 बजे से साय 9 बजे तक अपने घर में ही रहेंगे और साय 5 बजे अपने घर की बालकनी या छत पर जाकर घंटी बजाकर ताली बजाकर उन लोगों का सम्मान करेंगे जो लोग कोरोना संक्रमण होने के बावजूद देश में सेवा के लिए लगे हैं। हम शपथ लेते हैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। मुझे सौरभ मेहरोत्रा बोलते हैं, राष्ट्रीय जागरण व्यापार मंडल से। आज का आयोजन ये था कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है हम पूरी देशवासियों को ये संदेश दिया था कि आज कल जो है 22 मार्च को जो है सब जने जो है अपने घर के अंदर रहें और कहीं बाहर ना निकलें, क्योंकि हर आदमी का जीवन जो है सुरक्षित रहे और इट इज़ नॉट ए कर्फ्यू, इट इज़ हर एक की देखभाल के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। हर आदमी ये संदेश दे कि हर आदमी स्वच्छ है और हर आदमी का जो है स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ के माननीय महापौर उमेश गौतम जी को यहाँ पे बुलाया था हम लोगों ने पंजाबी मार्केट में। सब लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों को उन्होंने संदेश दिया एक शपथ के द्वारा कि हम लोग जो है कल जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो हम लोगों को एक आयोजन के रूप में जो है शिक्षा दी है उसका हम पालन करें, अनुसरण करें और उसको एक जो है सफल योजना बनाएं। देखिए, कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च यानी कल पूरे देश में जनता कर्फ्यू के लिए आग्रह किया है। उसी के लिए यहाँ सौरभ मेहरोत्रा जी ने सभी लोगों को यहाँ बुलाया था कि लोगों से आग्रह किया जाए कि कल सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक सभी लोग अपने घर पर रहें और प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का सहयोग करें और उन लोगों का भी धन्यवाद करें जो कोरोना संक्रमण होते हुए भी लोगों की सेवा में पूरे देश में जुटे हैं। तो इसी के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि कल जनता कर्फ्यू जबरदस्त तरीके से सफल होगा। आपको शपथ भी दिलाई? हाँ, आज शपथ भी ली है सभी लोगों ने कि वे स्वयं तो घर से निकलेंगे ही नहीं पर और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि सभी लोग घर पर रहें और इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं और इस देश से कोरोना वायरस को जितना जल्दी हो सके इस देश से भगाएं, कोरोना वायरस से अपने देश को मुक्त कराएं।